99 में दिया कमेंट आएगा सर, अच्छा। कमेंट आएगा कि भाई झूठ बोल रहा है, आपके ऊपर कमेंट आएगा भाई ये सच नहीं हो सकता। i20 एरा मॉडल नहीं है, डिलाइट मॉडल नहीं है, ये मैग्ना मॉडल है। 595 में अपना बना सकते हो, कोई डीलर दे नहीं पाएगा सर, मेरा एकदम गारंटी है। इतना 38,000 चला हुआ डॉक्टर की गाड़ी दे नहीं पाएगा, पूरा सर्विस हिस्ट्री मैं दे दूंगा। जिसको एनओसी चाहिए एनओसी भी करके दे देंगे, बिलो 1,00,000 के नीचे दूंगा, अंडर 1,00,000 के नीचे दूंगा। कितने में दे दूं सर बोलिए? कितने में? 95 में। कौन सी साल की गाड़ी है? 19 की गाड़ी है सर। मतलब 24 तक टैक्स सर? 29 तक टैक्स दे के देंगे, 5 साल एक्स्ट्रा टैक्स दे के देंगे। जो इधर ही पैसा दीजिए, बाहर पैसा देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, जो करना है मुझे करना है, समझ रहे हो दोस्तों? 19 की स्विफ्ट, 29 तक टैक्स, ओके, वैगनर के प्राइस में दूंगा सर। पेट्रोल वेरिएंट 290-285 में सेल आउट हो रहा है, अब तो डीजल दे रहा है। डीजल 385 में 14 की मॉडल, फर्स्ट ओनर, ओनली 42,000 चली हुई है गाड़ी, ओके, 29 तक इंश्योरेंस टैक्स पेड करके विद इंश्योरेंस के साथ। 18 की गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स पेड, वो भी तो नोट करना चाहिए। हाँ, तो आपको टैक्स नहीं देना नहीं, आप सोचिए ना, एक बंदा 15 साल यूज करेगा गाड़ी, 5 साल का टैक्स 35,000 होगा एकदम, तो 15 साल का टैक्स कितना होगा? 1,00,000 के ऊपर, 1,10,000-5,000 में। तो इसका वन टाइम टैक्स दिया हुआ है, आप जितना 15 साल की 20 साल चलाइए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो 14 की गाड़ी और इसका किलोमीटर सुन लीजिए, कितना किलोमीटर? ओनली 24,000 चली हुई है, 14 की गाड़ी 24,000 चला हुआ। इधर से दिखा रहा है भैया 24,000, 21,000, ये भी 24,000, ठीक है, मतलब कमेंट आएगा झूठ है। तो भाई हम लोग हिडन नहीं करते, हम आप लोग सर्विस हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ऑब्वियसली सर्विस हिस्ट्री तो हम लोग वो एवीआर कार केयर का कोई लोगो लेके नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, मतलब ये सब डील मिलता नहीं है। अच्छा, ओनली 21,000 चली हुई है, मैं चला हुआ दूंगा 24,000, आधा पूरा 24,000 चला हुआ गाड़ी, फर्स्ट ओनर का गाड़ी। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके एबीआर कार केयर में, और एबीआर कार केयर में आज धमाका होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहिए। मार्केट से हट के प्राइस में गाड़ी देख कर दिख रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी का कंडीशन A1 मिल जाएगा और रेडी टू मूव कंडीशन के साथ मिलेगा, ऑल इंडिया फाइनेंस भी दोस्तों अवेलेबल है। उसके पहले मिलते हैं भैया के साथ, कैसे भैया? सर आप कैसे हो? बोलिए। एकदम बढ़िया, आप बहुत दिन बाद आए हो, गर्मी का भी मौसम है एकदम, गर्मी में अब क्या होगा, छोटा गाड़ी भी कस्टमर को देना है 1-2 लाख के अंदर, ऑब्वियसली, और अच्छा मतलब क्वालिटी के साथ देना है, और एज वेल एज न्यू कंडीशन के साथ देना, कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, कंडीशन बढ़िया होना चाहिए। मैं तो आज ऐसा गाड़ी दिखाऊंगा 11-12 का, 10 का गाड़ी आपको 20-30 हज़ार चला हुआ दिखाऊंगा, 20-30 हज़ार चला हुआ दिखाऊंगा। मतलब हम लोग का यही मोटिव है एकदम, चाहे आपका वीडियो थोड़ा डिले होके आए लेकिन कस्टमर को अच्छा गाड़ी मिले, एकदम बिग डील मिलेगा, बिग डील मिलेगा। ये शुरुआत करते हैं, बोलिए। चलिए, ये जो गाड़ी है होंडा का बहुत ही प्रीमियम कार है एसयूवी में, ओके, एंड आपका बहुत ही रिसेल कार है। इसका लगभग जब दाम था नया का, इसका 12.5-13 लाख रुपए दाम था। अच्छा, और ये गाड़ी का जो फीचर्स होने वाला है, तकरीबन कलकत्ता में आपको सभी ये WRV आपको पेट्रोल सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि जो डीजल यूज करते हैं वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि 24 से 25 माइलेज है इसका, 24 से 25, 1 लीटर डीजल भरेंगे इसका माइलेज 24 से 25 है, इतना बड़ा गाड़ी का, इतना बड़ा गाड़ी में। और इसमें फीचर्स भर भर के है, विथ सनरूफ है एकदम, पुश बटन स्टार्ट के साथ, कीलेस एंट्री के साथ है, ओके, फिंगरप्रिंट के साथ है, ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, और जो नॉमिनल फीचर्स है वो तो भर भर के है, टच स्क्रीन मॉनिटर होंडा के साथ, आपका ऑटोमेटेड OVRVM सब कुछ है, सब कुछ, और रेडी टू मूव है, जब सिर्फ पॉलिश करके गाड़ी डिलीवर करना है मुझे, पूरा सर्विस किया हुआ है, ओनली 38,000 चली हुई है, 38, फर्स्ट ओनर की गाड़ी होने वाला है और डॉक्टर की गाड़ी होने वाला, क्या बात है। आपको आवाज सुनाएंगे, मैं नहीं बोलता तो आपको पता नहीं चलता ये पेट्रोल है और डीजल है, ये इतना स्मूथ कंडीशन, इतना स्मूथ कंडीशन, कोई भी मैकेनिक लेके कस्टमर आ सकते हैं, ओके, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, बॉडी मैकेनिक लेके आके देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक ले इलेक्ट्रिकल पार्ट देख सकते हो, और आपका इंजन मैकेनिक लेके इंजन पार्ट्स भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ओएलएक्स सर्च कर लीजिए, मार्केट प्लेस सर्च कर लीजिए, कोई ब्लॉगर का ब्लॉग सर्च कर लीजिए, अच्छा, तकरीबन लास्ट इसका प्राइस कोलकाता का डीलर लोग कोट करता है 6,50,000-6,60,000, अगर आप 6,00,000 के नीचे देगा तो फिर चैलेंज होने वाला है। तब डीजल विद सनरूफ VX, आप डीजल 18 का सनरूफ देके होंडा सिटी छोड़ दीजिए, कोई भी SUV सेगमेंट का गाड़ी
आप 6,20,000 में दिखा दीजिए मुझे डीजल में। एसयूवी एक्सयूवी लेके लेने के लिए जाएंगे मिलेगा नहीं, और एसयूवी सेगमेंट में डीजल मॉडल का ये प्राइस मतलब 10-12 लाख के ऊपर ही मिलेगा आपको। ये गाड़ी आज मैं दे दूंगा 6,10,000 में सर, 6,05,000 में दे दूंगा, 6,05,000। चलिए कॉस्ट टू कॉस्ट करूंगा इसका प्राइस, मतलब आप बहुत दिन बाद आए हो, मैं चाहूंगा आपके वीडियो से सभी गाड़ी निकल जाए। 100% मुझे पता है जो आप लोग का व्यूअर है एकदम ओरिजिनल व्यूअर है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार आपका चैनल को भी करता है, और आपका आप जेनुइन डीलर के पास भी जाके गाड़ी दिखाते हो, ठीक है। बोल दूं क्या? हाँ बता दीजिए। 595 में दूंगा, ठीक है, 595, और पूरा लोन करवा के दूंगा। किसी को एक्स्ट्रा 50,000 चाहिए मैं मांग के मतलब वो उसको दे दूंगा गाड़ी में। अच्छा, प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आउट ऑफ स्टेशन का भी हम लोग का लोन होता है, आउट ऑफ स्टेट का भी। ओके, आउट ऑफ स्टेट में हैदराबाद पुणे, सिर्फ प्रोफाइल अच्छा दीजिए 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग लोन प्रोवाइड करके देंगे, लोन भी हो जाएगा। जिसको एनओसी चाहिए एनओसी भी करके दे देंगे गाड़ी। लो बजट में मतलब ये गाड़ी में कोई बैक कंप्रेसर, कोई आपका सील कटा हुआ रहेगा, अच्छा, मैं गाड़ी फ्री में दे दूंगा। पहली बात तो है 10 का मॉडल है, 25 का टैक्स दिया हुआ है, अच्छा, इंश्योरेंस क्लियर्ड है, फर्स्ट ओनर का गाड़ी होने वाला है। गाड़ी का साउंड आप स्टार्ट कीजिए, गाड़ी का साउंड सुनाइए, इतना अच्छा साउंड है गाड़ी का। डीजल गाड़ी फिर भी पता नहीं चलेगा आपको, साउंड पता नहीं चलेगा कि 10 का गाड़ी 25 टैक्स, बिलो 1,00,000 के नीचे दूंगा, अंडर 1,00,000 के नीचे दूंगा। कितने में दे दूं सर? बोलिए कितने में? 95 में सर, 92 में दूंगा। अच्छा, मैंने 95 पे लाई, 92 में दूंगा सर गाड़ी, 92 में 25 25 तक टैक्स के साथ, इंश्योरेंस के साथ, बहुत ही मस्त कंडीशन में है। टायर वगैरह दिखा दीजिएगा, और गाड़ी बहुत ही क्वालिटी में है गाड़ी, और 10 की एकदम लास्ट की गाड़ी है, मतलब 25 लास्ट तक टैक्स। हाँ, 25 लास्ट तक आपको टैक्स, 44,000 चली हुई है। लोनली प्राइस बता दिया भैया ने, भैया आइए आइए देख लीजिए, ये भी क्या लेस रिपेयर होने वाला है सर। मैं मतलब ये सब डील मिलता नहीं है। अच्छा, ओनली 21,000 चली हुई है, 10 की गाड़ी, कोई दे पाएगा आपको? मिलना तो ढूंढने से भी नहीं, कोई दे के दिखाइए। 10 की गाड़ी 21,000 चली हुई, क्या बोल रहे हैं भैया। गाड़ी रस्ते में चला है, छोटा मोटा स्क्रैच है, मैं करके दूंगा। ओके, इंक्लूडिंग वो करके दूंगा। आप आज जल्दी जल्दी चले आए इसीलिए फिनिश नहीं कर पाया, गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, छोटा मोटा डेंट है, वो करके दूंगा रेडी करके। इंटीरियर आप दिखा दीजिएगा, गाड़ी का साउंड क्वालिटी दिखा दीजिएगा, बहुत ही क्वालिटी में है गाड़ी, ठीक है। ओके, 10 की लास्ट की गाड़ी है, 25 तक टैक्स होने वाला है, ये भी फर्स्ट ओनर के नाम। मारुति रीट्स आपको 10 की गाड़ी 1,50,000 के नीचे नहीं मिलेगा, मैं 1,30,000 में दे दूंगा, 1,25,000 में दे दूंगा। चलिए ना, और कुछ? 1,21,000 में दे दूंगा। अच्छा, 1,19,000 में दे दूंगा सर, और भी कोई देख के दिखाइए, 21,000 चला हुआ गाड़ी। चलिए इसको और डिमांडिंग बनाते हैं, और भी कुछ करते, और भी डिमांडिंग बनाते, चलिए ना कर दीजिए। चलिए 1,15,000 में दिया, 1,15,000 में अपना बना सकते हो रेट्स। चलिए और एक गाड़ी दिखाते हैं, बहुत दिन बाद ये गाड़ी मैंने उठाया। अच्छा, ये टॉप एंड वेरिएंट है। ओके, आप लगभग दोम में एक गाड़ी दिखाए थे शायद यही 2-3 ब्लॉक के अंदर, ठीक है। आपको ही चैलेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप दिखा के आए हो, आपको ही चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, दोम या सॉल्ट लेक में है शायद, ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा गाड़ी दिखाते हैं, और मुझे लगता है आपका क्वालिटी कैसा होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन बजट फ्रेंडली होता है भैया का प्राइस, जो मैंने पहले वीडियो नहीं करता था, अभी वीडियो करता है। मुझे डीलर नाम अभी पता नहीं चल रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक 11 का गाड़ी दिखाया था, 26 तक टैक्स, LXI मॉडल, ऑरेंज कलर का। ओके, ठीक है। अच्छा, 1,70,000 में, ठीक है, 1,70,000 में 12 का गाड़ी दूंगा। 12 की गाड़ी मतलब वो गाड़ी चला हुआ था 47,000, इतना मैं चला हुआ दूंगा 24,000, आधा पूरा 24,000 चला हुआ गाड़ी, फर्स्ट ओनर का गाड़ी। ओके, अब इंटीरियर दिखा दीजिएगा, VXI मॉडल है, आप मिरर दिखा दीजिए कि ऑटोमेटेड मिरर है ये। अच्छा, जो आपका LXI में आता नहीं है, और लाइफ पीरियड टैक्स है इसका, लाइफ टाइम टैक्स है, मतलब वन टाइम टैक्स है, देना नहीं पड़ेगा इसका टैक्स। ओके, लाइफ टाइम, जितना दिन गाड़ी यूज कीजिए आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, 12 का एंड की गाड़ी है, लगभग 13 का गाड़ी है, टॉप मॉडल के साथ मैं 12 का गाड़ी, 1,70,000 में 11 का गाड़ी, 12 का गाड़ी मैं दूंगा 185 में वो दूंगा, चलिए 1,80,000 में दूंगा। अच्छा, चलिए 179,000 में दूंगा, इससे कम नहीं कर पाऊंगा। 179, कोई 1,185,000 में देके दिखाइए,
मैं 179 में दूंगा। चलिए एक i20 दिखाते हैं, 10 की गाड़ी होने वाला है, मैग्ना मॉडल होने वाला है। अच्छा, सेकंड ओनर के साथ होने वाला है, गाड़ी कल ही एक्सचेंज हुआ है। ओके, कल ही एक्सचेंज हुआ है, कल ही एक्सचेंज हुआ है मेरे एक गाड़ी के साथ। ओके, गाड़ी का मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए झूठ मूठ का बात नहीं है, बॉडी में थोड़ा काम है, 10 से 15 हजार का काम होगा तो बॉडी पूरा ठीक हो जाएगा इसका। अच्छा। मतलब छोटा मोटा स्क्रैच है लेकिन बहुत है, आपको थोड़ा रिपेंट करना होगा गाड़ी को। इंजन में कोई काम नहीं है। ओके, आपका 62,000 चली हुई है गाड़ी, गाड़ी एसी, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ है इसमें। म्यूजिक सिस्टम के साथ आपका स्टीयरिंग, आपका पावर स्टीयरिंग के साथ सब कुछ है, सीट कवर लगा हुआ है, नया आपका बैटरी लगा हुआ है एकदम, उसका वो आपको वारंटी मिलेगा। अच्छा, कोई i20 देख के दिखाइए जो ये प्राइस मैं दूंगा आज। मैक्सिमम 1,35,000-1,40,000 तो 1,20,000 में दे दू। अच्छा, 1,15,000 में दे दू। चलिए 1,10,000, चलिए 1,10,000 में दे दू, हो जाएगा 1,05,000 में। और कुछ कर दीजिए। i20 सर, i20 फिर भी तो आप दे रहे हैं, इसलिए पहले कमाते जा रहा हूँ। चलिए 99,000 में दिया, कमेंट आएगा सर। अच्छा। कमेंट आएगा कि भाई झूठ बोल रहा है। अच्छा। आपके उधर कमेंट आएगा भाई ये सच नहीं हो सकता। i20 एरा मॉडल नहीं है, डिलाइट मॉडल नहीं है, ये मैग्ना मॉडल है। मतलब आपको पावर स्टीयरिंग के साथ मिलेगा 99, नाइस ऑन, सिर्फ कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं, 99, 95 नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, एज इट इज कंडीशन में 99 में गाड़ी अपना बना सकते हो, नेम ट्रांसफर करना होगा। Okay. गाड़ी अपना बना के लेके जा सकते हो। दोस्तों सपना सच नहीं होता है, पर टीवीआर कार केयर में प्राइस सच हो सकता है। नहीं, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। ओके, okay. पूरा गाड़ी 100% ओरिजिनल पेंट में है। ओके, okay. व्हाइट कलर में होने वाला है, आपका टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है, MS 2014 दिसंबर की गाड़ी, मतलब 24 दिसंबर तक। नहीं 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 नहीं, मैं दो चीज दूंगा इसमें, 29 तक टैक्स देके कोई बंदा ले पाएगा तो ले लीजिए, जो प्राइस में दूंगा। अभी तो टैक्स वैलिड है, वैलिड है जिसको चाहिए बाहर में, अभी तक 8-9 महीना टैक्स है। हाँ, अभी तक तो 14 की गाड़ी, और इसका किलोमीटर सुन लीजिए कितना किलोमीटर, ओनली 24,000 चली हुई है। 14 की गाड़ी 24,000 चला हुआ, इधर से दिखा रहा है भैया 24,000, 21,000, ये भी 24,000। ठीक है, मतलब कमेंट आएगा झूठ है तो भाई हम लोग हिडन नहीं करते, हम आप लोग सर्विस हिस्ट्री चेक कर लीजिए। ऑब्वियसली सर्विस हिस्ट्री तो हम लोग वो एवीआर कार केयर का कोई लोगो लेके नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसको देखना है चेक कर लीजिए सर। ओके, क्योंकि ये आप बोलेंगे सर्विस हिस्ट्री के लिए टाइम लगता है, उसके रिगार्डिंग कोई कस्टमर आएगा हम लोग डील करने में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पैसा चाहिए, तो उसमें देरी होता है। आप लोग अपने आप से ही निकाल लीजिए ना सर्विस सेंटर में जाके, उधर सर्विस सेंटर अभी ऑनलाइन में है सर, आप फोन कीजिएगा, गाड़ी खरीदना है, नंबर ये है भाई, लास्ट हिस्ट्री दे दे सब कुछ। उसके लिए एक पेमेंट लेता है 200-250 रूपए, दे दीजिए मिल जाएगा आपको एकदम। अभी ऑनलाइन पोर्टल में भी आपको पैसा लेके सर्विस हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड हो जा रहा है, कर लीजिए, इंटरेस्टेड कस्टमर कर लीजिए थोड़ा। ओनली 24,000 बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी। अच्छा, जो प्राइस में दूंगा पूरा फंडिंग करूंगा गाड़ी। अच्छा, पूरा फंड 100% पूरा फंडिंग करूंगा। पहले 14 की 29 तक टैक्स पेड करके एक धमाका प्राइस दीजिए, 3,00,000 के नीचे दे दूं, दे दीजिए 295 में, नहीं 290 में, और कुछ 285 में हो जाए। चलिए 285 में इसको 29 तक टैक्स दे के कटते हैं, ये भी बहुत चैलेंजिंग प्राइस होने वाला है दोस्तों। 2,85,000 में 5 साल के लिए सीडान मॉडल कार है, होंडा एमएच, टॉप एंड वेरिएंट, एसी, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, आपका पीछे आपका सेंसर विद कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा भी मिल सब कुछ लगा हुआ है। गाड़ी कंडीशन वाला होना चाहिए, गाड़ी 100% ओरिजिनल दे रहा है, लेस ड्रिवन दे रहा है, विद सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा, बैक कैमरा मिल रहा है, बैक सेंसर मिल रहा है, ये भी तो नोट करना चाहिए दोस्तों। अच्छा, अभी विदाउट टैक्स सुन लीजिए। अच्छा, विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स तो धमाका देंगे, 2,70,000 में दे दे विदाउट टैक्स। चलिए 2,65,000 में देते हैं, 262,000 में देंगे विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स, मतलब अभी तो टैक्स वैलिड है। अरे 9 महीना वैलिड है सर, 9 महीना वैलिड है, 255,000 में देंगे। चलिए कोई देखे दिखाइए, कोई देखे दिखाइए, कोई देखे दिखाइए। गाड़ी का क्वालिटी है 95% ओरिजिनल पेंट में, 42,000 चली हुई है, डॉक्टर की गाड़ी है, ILS हॉस्पिटल है, उसका मेन जो डॉक्टर साहब है उसका गाड़ी है। इतना चैलेंज के साथ बोल रहा है, 95% ओरिजिनल पेंट में है दोस्तों, चैलेंज ऐसा ही होना चाहिए। और सुन लीजिए, VDI होने वाला है डीजल में, 14 की एंड की गाड़ी होने वाला है, 29 तक टैक्स देके सेल आउट करेंगे।
जो प्राइस बोलेंगे 29 तक टैक्स भी मिल जाएगा। 4,20,000 में दे दे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग प्राइस फिर भी। चैलेंजिंग प्राइस डीजल में आपको डिजायर आपको क्या बोलूं, 4,00,000-4,10,000 में मिलेगा तो आप सोच अच्छा गाड़ी। बैक कंप्रेसर, इंजन में लीकेज है आपका, एक्सीडेंटल है, डिक्की में काम हुआ है, ऐसा होने से पता नहीं कितने में मिलेगा। कितना छोड़ेंगे, क्वालिटी कार होना चाहिए, ये प्राइस में मिल जाएगा आपको दोस्तों। 395 में देंगे गाड़ी को, अंदर फुल लैक 3,90,000 में देंगे। 385 में देख के दिखाइए कोई, 385 में देंगे। डीजल गाड़ी 12 का गाड़ी, 27 का टैक्स, आपको 3,20,000-30,000 के नीचे डीजल वेरिएंट नहीं मिलेगा। पेट्रोल वेरिएंट 290-285 में सेल आउट हो रहा है। अब तो डीजल दे रहा है, डीजल 385 में 14 की मॉडल, फर्स्ट ओनर, ओनली 42,000 चली हुई है गाड़ी। ओके, 29 तक इंश्योरेंस टैक्स पेड करके विथ इंश्योरेंस के साथ आपको 385 में देंगे। लोन चाहिए 3,50,000 रुपए लोन करवा देंगे। 3,50,000 रुपया तक लोन भी हो जाएगा सर? आप तो ब्लॉक करते हो, आपको 50% एक्सपीरियंस होगा तो मुझे 90% है। एकदम ऑब्वियस, आप डीलर हो। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, डिजायर जो क्वालिटी में इंजिन का है ना सर, आप कोई डिजायर आप मतलब इसमें टैपिट का भी कोई साउंड नहीं है। अच्छा, बैक कंप्रेसर दूर की बात है, बहुत ही चैलेंज। ये तीनों गाड़ी में चैलेंज देंगे, तीनों गाड़ी में चैलेंज देंगे। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है और मौसम भी देखिए, इतना धूप, गाड़ी लेना है कस्टमर एकदम। ठीक है, कलकत्ता का कस्टमर ना मतलब उतना गाड़ी इंस्पेक्शन भी नहीं करता है, डील कर लेता है। अच्छा चलिए, ये गाड़ी में देते है, चलिए टॉप एंड मॉडल होदेवाना है। ओके, फर्स्ट ओनर है, मतलब मिडिल टॉप मॉडल है, एलो व्हील नहीं है इसमें, एलो व्हील छोड़ के सब कुछ है। ओके, एयरबैग आपका, स्टीयरिंग माउंट है, एबीएस स्टीयरिंग माउंट एंड कंट्रोल आपका, ऑटोमेटेड ओवरवीएम सब कुछ है इसमें, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ है। कौन सी साल की गाड़ी है? 19 की गाड़ी है सर। मतलब 24 तक टैक्स सर, 29 तक टैक्स देके देंगे, 5 साल एक्स्ट्रा टैक्स देके देंगे। अभी जो इधर ही पैसा दीजिए, बाहर पैसा देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, जो करना है मुझे करना है। ओके, फर्स्ट ओनर होने वाला है, लेडी ओनर की गाड़ी है। अच्छा, ओनली 38,000 चली गई है। सर्विस रिकॉर्ड चाहिए मेरे को? मैं दे दूंगा आपको, मिल जाएगा ना? आप निकाल लीजिए ना, 300 रुपए मैं देता हूँ आपको। अच्छा, निकाल लीजिए। ओके, 300, 299 लगता है। ओके, आप निकल पाएंगे। ठीक है, कोई फर्स्ट ओनर होने वाला है, इंटीरियर दिखा दीजिएगा, स्टेपनी दिखा दीजिएगा, टायर का हालात दिखा दीजिए पहले, टायर देख लीजिए, मतलब लग रहा है ना 38,000 का टायर है, कंपनी फिटेड टायर है। अच्छा, कंपनी फिटेड टायर, हाँ कंपनी फिटेड। ओके, ये तो मैं चेंज कर दूंगा तो वो नया ही लगेगा, नया लगेगा, कोई चेंज करने का बात नहीं है, 5 लाख के नीचे दूंगा। क्या बोल रहा है? 19 की गाड़ी, 29 तक टैक्स, 5 लाख के नीचे दूंगा। सच सुन रहा हूँ, 5 लाख के नीचे बोले? सही सुन रहे हो, 29 तक टैक्स, 495 में देंगे, सीडन मॉडल, 19 की गाड़ी। अगर 24 तक टैक्स होता तो मानता, हाँ ठीक, 24 तक टैक्स 490-495 ठीक है, 29 तक टैक्स देके, अच्छा 495 में देंगे, देना पड़ेगा 490 में देंगे, चलिए चलिए 489 में देंगे 489 में देंगे दोस्तों, देख लीजिए, पूरा लोन करवाएंगे, 100% लोन, 100% लोन करवाएंगे। होंडा का कोड़ी कोई गाड़ी, 19 की गाड़ी, अब देख के दिखाइए 489 में। चलिए, 18 की एंड की गाड़ी है, 1 टाइम टैक्स के साथ। अच्छा, ये VXI मॉडल होने वाला है, फर्स्ट ओनर होने वाला है, ये भी 39,000 चली हुई है, बढ़िया, इसमें भी कोई काम नहीं, पॉलिश करके गाड़ी डिलीवर करेंगे, फर्स्ट अंडर 5.5 लाख के नीचे देंगे। 18 की गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स पेड, वो भी तो नोट करना चाहिए। हाँ, तो आपको टैक्स नहीं देना, नहीं आप सोचिए ना, एक बंदा 15 साल यूज करेगा गाड़ी, 5 साल का टैक्स 35,000 होगा एकदम, तो 15 साल का टैक्स कितना होगा, 1 लाख के ऊपर, 1,10,000-5,000 में, तो इसका 1 टाइम टैक्स दिया हुआ है, आप जितना 15 साल की 20 साल चलाइए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। इम्पोर्टेंट इशू ये टैक्स है सर, तो टैक्स मांगता है कस्टमर लोग, मुझे आफ्टर सेल, आफ्टर गाड़ी परचेस, मुझे कोई पेपर वर्क नहीं करना पाए दो साल 3 साल के अंदर, हैसल फ्री काम चाहिए, हैसल फ्री चाहते हैं। ओके, तो ये गाड़ी जो प्राइस में देंगे ना सर, चलिए ना कुछ करते हैं, धमाका देते हैं, चलिए 5,25,000 धमाका, 5,25,000 18 का गाड़ी 17 का नहीं, लाइफ टाइम टैक्स पेड के साथ, लेकिन 5,20,000 नहीं होगा, 5,25,000 मतलब इसमें मेरा लॉस है। अच्छा, मतलब इसमें मेरा लॉस है, लॉस करके देंगे कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए
लॉस है, 5,25,000 में देंगे, गाड़ी पॉलिश करवाएंगे तो 2,000 खर्चा होगा, तो 5,23,000 होता है, 5,25,000 में देंगे। ये गाड़ी मेरा व्यूअर्स को चाहिए, कोई डीलर के पास नहीं जाना चाहिए। सर डीलर के पास जाता नहीं है मेरा गाड़ी, मेरा कुछ कुछ गाड़ी जाता है बाहर का डीलर के पास। अच्छा। और आपका सामने का कोई डीलर अभी फोन करता था, हम लोग डील नहीं करते, मेरा व्यूअर्स को देना पड़ेगा, नेम ट्रांसफर का इशू चलता है। ओके ठीक है, ये गाड़ी में भी अच्छा मतलब मूड बना के आया क्या? मूड तो सभी गाड़ी में है, ये गाड़ी में भी मैं दे दूंगा। अच्छा, एज इट इज कंडीशन में देंगे, सिर्फ पॉलिश करके। पीछे का एक मैं बोल देता हूँ, आप लोग दिखा दीजिएगा, पीछे का एक बैकलाइट टूटा हुआ है। Okay. आप अंदर दिखा दीजिएगा, नया बैकलाइट मंगा के रखे है, लगा के लगाने का अंदर है। Okay. आपका गाड़ी के अंदर ही है, डी की नहीं, अंदर ही है, सीट में ही है। Okay. आप दिखा दीजिएगा, पीछे का एक बैकलाइट टूटा हुआ है, वो चेंज करके दे दूंगा एकदम। कितने में दे दूं सर? वो तो ये 5,00,000 के अंदर दे दूं, ये भी ये 5,00,000 के अंदर दे दूं, जाना तो 90 में दे दूं, 485 में, और कुछ 19 के स्विफ्ट आज वैगनर की प्राइस में दूंगा। वैगनर की प्राइस में, समझ रहे हो दोस्तों, 19 की स्विफ्ट 29 तक टैक्स। ओके, वैगनर के प्राइस में दूंगा सर। लग रहा है मैं कोई नींद में। अब वैगनर का प्राइस पकड़ लीजिए या ग्रैंड आइटन के प्राइस पकड़ लीजिए, ग्रैंड आइटन नियोस 19 की इससे ज्यादा प्राइस है, इससे तो ज्यादा, और मिल भी नहीं रहा है, मिलेगा नहीं एकदम। 485 में दे दू 19 की गाड़ी, 480 में दे दू, चलिए 475 में दे दू, 475 में, 470 में दे दू, और कुछ हो जाए तो 468,000 में देंगे। फास्ट ओनर की गाड़ी, फास्ट ओनर की गाड़ी होने वाला है, ओनली आपका कितना चला हुआ है ये, 42 अराउंड चली हुई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, मीटर कंसोल का पिक्चर आपको भेज दिया जाएगा। हाँ, 42-43 अराउंड चली हुई है। ओके, अंदर कोई काम नहीं है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, पॉलिश करके दूंगा 4,68,000 में। ये बड़ा चैलेंज कर दिया भैया, तक टैक्स पेड करके। क्या चाहिए और कुछ चाहिए तो कमेंट करके। और सुनिए सर, मेरा दो गाड़ी आने वाला है और। अच्छा, क्या क्या गाड़ी आने वाला है? आप फोटो दिखा दीजिएगा। ओके बोलिए, क्या 18 का i10 Grand, i10 Grand 28 तक टैक्स पेड करके फर्स्ट ओनर होने वाला है, 43,000 या 44,000 चली हुई है गाड़ी। ओके, कितने में सेल हो रहा है 18 का गाड़ी? 4,00,000, 4,00,000 के आसपास, 395 उसके ऊपर सेल हो रहा है, 390 कर दीजिए, 385 375 मैं जो बोलूंगा आप 370 कोई दे दे। 16 का गाड़ी सेल हो रहा है 3,20,000 में, 16 का गाड़ी, 15 का गाड़ी सेल हो रहा है 3,10,000, मतलब चैलेंजिंग, जो चैलेंजिंग प्राइस बोल रहा है, चैलेंजिंग प्राइस बोल रहा है सर, मैं 365 में दूंगा। 18 की गाड़ी दे के दिखाइए, कोई दे के दिखाओ, 355 में दूंगा। अच्छा, 18 का गाड़ी 3,55,000 में दूंगा। क्या बोल रहा है भैया जी आप, तो 17 का गाड़ी मिलेगा सर आपको, मिलेगा नहीं फिर भी, मिलेगा नहीं, मिलना तो मुश्किल है, जितना मेरा नॉलेज है उस प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है, मिलेगा नहीं। और भी गाड़ी मैं बोल देता हूँ, ये सब गाड़ी हम लोग का पाइपलाइन में, बैलेनो 2018 मॉडल, 28 तक टैक्स, अच्छा, डेल्टा मॉडल आपका, ब्लू आई आपका, सॉरी ब्लू कलर में है। ओके, कितने में दे दूं? ये भी कुछ चैलेंज करते चलिए। अरे चैलेंज ही तो दे रहा हूँ सर, इसमें भी होगा, 4,80,000, 4,75,000 हजम करने दीजिए, 4,70,000, 4,65,000, 18 की, 18 का गाड़ी दे के दिखाइए कोई, 4,65,000 में, 4,65,000, 18 का गाड़ी 4,65,000, 5,20,000 में सेल हो रहा है। हाँ हो तो रहा है एकदम दोस्तों, आज का जो प्राइस सुनने के बाद, और एक बैलेनो आने वाला है मुझे, मेरे पास 18 का गाड़ी, ओके, ऑरेंज कलर में, 30,000 चली हुई है, डेल्टा मॉडल, फर्स्ट ओनर की गाड़ी। ओके, कितने में दे दूं सर? ये भी कुछ आसपास दे दीजिए जो प्राइस में बोला, 462 में देंगे इसको, 462 में देंगे। आज तो पूरा छोड़ने का मूड में आया। चलिए 9 का गाड़ी, आईटेनेरा सेकंड ओनर, 62,000, 75,000 में देंगे। कितना में? 75,000 में देंगे। दे दीजिए आज। चलिए और भी गाड़ी पाइपलाइन में है। ओके, वो गाड़ी आज मतलब नहीं दिखाएंगे क्योंकि इतना सारा गाड़ी मुझे भी एकदम, तो अभी मतलब जो प्राइस में मैंने दिया, आप थोड़ा मतलब आप लोग बहुत दूर रहते हो इसीलिए उतना जल्दी हम लोग के पास
हम लोग का मुलाकात नहीं होता है, आने का थोड़ा इशू हो जाता है। और इतना गर्मी पड़ा है, अब भी अच्छे से रही हो, और कस्टमर को भी बोलना है मुझे कि गर्मी में उतना बाहर निकलने का जरूरत, देखिए आपको है, आप कमाने वाले हो, आपको फैमिली चलाना है, आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन उसका प्रिकॉशन लेके ही निकलिए, पानी लेके निकलिए और सनस्क्रीन लगा के घर से निकलिए, मास्क देके, ठीक है, और थोड़ा बाहर जाके इतना फास्ट फूड मत खाइए, डाब पी लीजिए और बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक है वो पीजिए, ठीक है। और जितना भी इम्पोर्टेंट, और जो बिजनेस पर्सन है मैं बोलूंगा कि जितना भी आपका इम्पोर्टेंट काम है वो आफ्टर आपका सनसेट के बाद ही आप कीजिए, तीन चार बजे के बाद ही कीजिए। तो अभी मतलब अभी मौसम बहुत ही गंदा हो रहा है, मतलब हम लोग का जो मेरा 30 साल 35 साल का अंदर जो जिसका एज है उसको ही तकलीफ हो रहा है, तो अबव 50 इयर्स ओल्ड अंकल जी या सभी को मेरे पापा की उम्र का क्या होगा। तो मैं बोलूंगा शांति से रहिए और उतना हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, धीरे स्वस्थ होके काम कीजिए बस, और गाड़ी लेके जाइए लो बजट में, चिल्ड एसी के साथ मिल जाएगा दोस्तों, रेडी टू मूव कंडीशन के साथ। आज के लिए ब्लॉग को इधर ही खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ स्पेशल कलेक्शन के साथ। तो आज के लिए भैया धन्यवाद, थैंक यू।